क्लास इलेवन में जितने भी बच्चे हैं उनसे बच्चों के लिए वीडियो रहेगी इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं वो भी क्वेश्चन हम इसी वीडियो में करेंगे तो फटाफट फड़ से स्टार्ट करते हैं और बाकी जिन भी बच्चों ने अभी तक प्ले को फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्ले का लिंक मिल जाएगा जहां पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को कंप्लीट फॉलो कर लेना और लास्ट में जैसी ये सीरीज आपकी एंड होगी उसके बाद में मिड टर्म एग्जाम की जो आपकी पी वाई की प्रैक्टिस थी ना वो भी वीडियो वहां पर एड कर दूंगा तो ये सारा सारा काम आपको करना है और उनमें मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन कराए हैं उन सभी को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और इसके साथ साथ आपको अपनी एनसीआरटी की एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज दोनों को ही अच्छे से सॉल्व करना है ठीक है और यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको यहां पर भी करा दूंगा ठीक है तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से यहां पर आपको बोला गया एक आपके पास स्टील वायर है जिसकी जो लेंथ है वो है आपकी 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ थ्री पॉइंट जीरो माइनस फाइव मीटर स्क्र स्ट्रेच ऑफ कॉपर वायर यानी कि एक आपके पास कॉपर वायर भी है जिसकी जो लेंथ है वो है आपके 3.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर वायर इज 4.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन डेज टू पावर माइनस फाइव मीटर स्क्वायर अंडर अ गिवन लोड वॉट इज द रेशियो ऑफ देयर यंग्स मॉडल ऑफ स्टील टू डेट कॉपर इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझाता हूं एक आपके पास जो है ना स्टील वायर है और एक एक आपके पास कौन सी वायर है कॉपर वायर यह है आपकी स्टील वायर और यह आपकी कॉपर वायर ठीक है यहां पर जो है इन दोनों पे ना सेम अमाउंट का लोड लगाया गया मान लेते हैं उसका जो मास है वो है हमारा कैपिटल एम और यहां पर मैं आपको एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़कर बताता हूं स्टील वायर ऑफ लेंथ फोर पॉइंट सेवन मीटर यानी कि जो यहां पर स्टील वायर की स्क्वायर तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यह है हमारा थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस मीटर स्क्वायर और इसके बाद ये जो हमारा एरिया ये स्टील वायर का है और यहां पर यह आपको बोला गया कि स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट एज द कापर वायर ये जो यहां पर इसमें जो भी इलोंगेशन आएगा ना यमास हैंग करने के बाद यानि कि इसकी वायर में जो भी इलोंगेशन आएगा ये जितनी भी वायर खिंचेगी वो कॉपर के बराबर होगा यानी कि यहां पर जो इलांगेशन इन स्टील वायर इज इक्वल टू इलोंगेशन इन कॉपर वायर यह आपको बोला गया और यहां पर जो आपका फोर्स है वो भी सेम एक्ट करेगा क्योंकि सेम मास है तो फोर्स ऑफ स्टील इज इक्वल टू फोर्स ऑफ कॉपर वायर ठीक है अब यहां पर कॉपर वायर ऑफ लेंथ थ्री पॉइंट फाइव मीटर कॉपर वायर जो है आपकी उसकी जो लेंथ है वो है आपकी कितनी थ्री पॉइंट फाइव मीटर और यहां पर आपको बोला गया एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 4.0 पॉइंट जीरो इन टू टेन टू पावर माइनस फाइव मीटर स्क्वायर तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर वायर इज फोर इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव मीटर स्क्वायर अंडर अ गिवन लोड व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर यंग्स मॉडलर्स आपको यहां पर यंग्स मॉडलर्स का रेशियो बताना है यानी कि यहां पर यंग्स मॉडलर्स ऑफ स्टील और यंग्स मॉडलर्स ऑफ कॉपर इसका आपको यहां पर रेशियो फाइंड करना है कि क्या आपका रेशियो होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को तो यहां पर यंग्स मॉडलर्स ऑफ स्टील यंग्स मॉडलर्स ऑफ कॉपर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका यंग्स यंग का आपका फॉर्मूला होता है एफ बाई ए और यहीं पर ही डेल्टा एल और ऊपर क्या होता है एल तो इसको भी मैं स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर देता हूं तो यहां पर फोर्स आपकी सेम है और यहां पर जो आपका डेल्टा एल है वो भी दोनों का सेम है और फोर्स भी सेम है ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे इन दोनों को मैं ऐसे ही ध्यान देता हूं और इन दोनों की जो लेंथ है और एरिया है वो जो है अलग अलग है तो लेंथ ऑफ स्टील वायर एरिया ऑफ स्टील वायर और ऐसे ही एफ बाय ए डेल्टा एल एल ठीक है फोर्स और इलोंगेशन सेम है यानी कि डेल्टा एल सेम है और यहां पर एरिया की एरिया क्या हो जाएगा कॉपर का ए सी और एल सी तो कॉपर वायर की लेंथ और एरिया अब यहां पर एफ बटे डेल्टा एल एफ बटे डेल्टा एल ये कैंसिल हो गया और यहां पर बचा आपका एल एस और यहाँ पर ए सी जो है ऊपर चला जाएगा और यहां पर बचेगा आपका ए एस और ये बच गया आपका A, S, एल सी ठीक है लेंथ ऑफ स्टील वायर लेंथ देख लेते हैं आपकी है फोर पॉइंट सेवन और एरिया ऑफ कॉपर वायर एरिया है आपका फोर इंटू टेन डेज टू पावर माइनस फाइव मीटर स्क्वायर और यहां पर एरिया ऑफ स्टील वायर इज थ्री इंटू टेन डेज टू पावर माइनस फाइव और लेंथ इज फोर पॉइंट सेवन लेंथ ऑफ कॉपर वायर थ्री पॉइंट फाइव इससे ये कैंसिल हो जाएगा और एक पॉइंट से एक पॉइंट चला गया यहां पर बच गया आपका कितना फोर्टी सेवन इंटू फोर डिवाइड बाई थ्री इंटू थर्टी फाइव इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यह आ जाएगा हमारा एट और यह आ गया हमारा एक सौ पांच तो रेशियो क्या आ गया वन डबल एट रेशियो वन जीरो फाइव तो ये हमारा होगा फाइनली आंसर कभी कभार जो है आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रूव डैट थ्रस्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस जो आपका थ्रस्ट होता है वो आपका पर, किसी भी सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर एक्ट करता है ये आपको ये बताना है कि ये प्रूव करो कि जो आपका थ्रस्ट है ना वो किसी भी सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर एक्ट करता है ठीक है तो यहां पर हमने मान लिया कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है अब यहां पर जो है इस डायरेक्शन में एक आपकी थीटा एंगल पर फोर्स एक्ट करिए यहां पर ये यह हो गया आपका फोर्स और यहां पर थीटा एंगल पर एक्ट करिए तो यहां पर से हमने इसके कॉम्पोनेंट निकाल लिया एफ कॉस थीटा थीटा के साथ वाला एफ कॉस आता है और जो थीटा के साथ नहीं है उसको लिखते हैं हम एफ साइन थीटा तो यहां पर हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में जो है एफ कॉस्टेटा आपका जीरो होगा तो एफ कॉस्ट डेटा टू जीरो एंड यहां पर जो आपका फोर्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो यहां पर से आपको पता लग गया कि यहाँ पर जो आपका कॉस्टेटा है वो आपका जीरो के बराबर होगा क्योंकि फोर्स एक्ट करिए तो फोर्स तो जीरो हो नहीं सकता फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पर जरूर कॉस्ट डेटा ही जीरो होगा और जब कॉस्ट डेटा जीरो है तो यहां पर थीटा कितना आ जाएगा नाइनटी डिग्री तो थीटा नाइन्टी डिग्री आ गया इससे हमें पता लग गया इट मीन डेट थ्रस्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है और ये यहां पर से जो है कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया ठीक है अब यहां पर हम जो है एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं यहां पर जो है आपको बोला गया कि आपको यहाँ पर एप्लीकेशन बताना है प्रेशर का कि एप्लीकेशन जो होता है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कई बार आपसे एप्लीकेशन भी पूछा जाता है तो प्रेशर का जो एप्लीकेशन है ना वो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है कैसे अभी मैं आपको अभी मैं आपको पता, बताता हूँ आपको पता लग जाएगा प्रेशर का आपका फॉर्मला क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया और यहां पर प्रेशर की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है ठीक है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया और जब यहां पर हम एरिया कम करेंगे तो आपका प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा ठीक है और जब एरिया आपका ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां पर से इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो हैंडल्स होते हैं ना बैग के सूटकेस के आर ब्रॉर्डर ठीक है तो इससे आपको पता लग गया कि जो आपके बैग के जो हैंडल्स होते हैं उनको कैरी करने के लिए बैग को कैरी करने के लिए उनके जो हैंडल्स होते हैं वो ब्रॉडर ब्रॉडर बनाया जाता है ताकि जो आपका एरिया है वो ज़्यादा हो एरिया ज़्यादा होगा तो फिर आपका जो प्रेशर है वो कम लगता है ठीक है तो ये आपका हो गया पहला एग्जाम्पल दूसरा है आपका इसको आप रिलेट कर पाओगे बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा एग्जाम्पल है जो आपका मेट्रो कॉलम होता है ना आर ब्रॉडर इन बॉटम एंड एट द टॉप यानी कि जो आपका मेट्रो कॉलम आपने देखा होगा सिलेंडर की टाइप का होता है और नीचे जो है वो बहुत बड़ा होता है ठीक है इस टाइप से और उन पर पिलर नंबर भी डले होते हैं तो इस प्रकार से ये आपका सिलेंडर टाइप का होता है तो इसको बोलते हैं मेट्रो कॉलम तो मेट्रो कॉलम्स आर ब्रॉडर इन बॉटम एंड एट दी टॉप ठीक है तो इस वजह से यहां पर जो इसका ब्रॉडर जो इसका बॉटम होता है वो ब्रॉडर होता है और इसका जो टॉप है वो भी यहां पर ब्रॉडर होता है ठीक है जिसकी वजह से आपका एरिया ज्यादा हो और प्रेशर कम लगे ठीक है एरिया जब बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा इस वजह से हम इसका यूज करते हैं जितना ज्यादा आप एरिया रखेंगे उतना कम प्रेशर उतना कम प्रेशर लगेगा और जितना ज्यादा आप यहां पर प्रेशर रखना चाहते हैं तो उतना कम आपको एरिया रखना होगा जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल में देख लेते हैं नाइफ एंड नेल्स यानी की कि कील की बात हो रही है आर शार्पर एज यानी कि जो आपकी कील होती है और जो आपकी नाइफ होती है उसकी जो एज होती है इसको एज बोलते हैं जैसे पेन की नेब है इसको हम एज कहते हैं तो इनकी जो एज होती है ना बहुत ही शार्पर होती है जैसे कि आप आपने देखा होगा जो कील है उसको हम इस साइड से ठोकते हैं जहां पर से वो पतली होती है इस ऐसा इस, इस वजह से होता है ताकि जो आपका यहाँ पर जितना कम एरिया होगा ना उतना ज्यादा प्रेशर लगता है ठीक है उतनी ही कील अंदर जाएगी अगर हम इसको इसका अपोजिट करें इसको अपो दूसरे तरफ से इसको हम कील को ठोकने की कोशिश करते हैं तो यहां पर ना आपका क्या होगा यहां पर जो है आपका एरिया ज्यादा हो गया एरिया ज्यादा होगा तो फिर आपका प्रेशर क्या होगा प्रेशर आपका कम लगेगा तो आपकी कील जो है दीवार के अंदर जाएगी नहीं तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे जैसे हम यहां पर छोटा सा एक नोमरिकल भी ले, ले लेते हैं प्रॉब्लम नंबर वन कि यहां पर आपको बोला गया टू थाई बोन्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टेन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द मास ऑफ द बॉडी इज फोर्टी के जी यानि की यह आपकी पूरी पूरी बॉडी है और इनका जो थाई बोन्स है ना उनका जो क्रॉस एक्सल एरिया है वो है आपका टेन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मास ऑफ बॉडी इस पूरे बॉडी की जो मास है वो है आपका कितना फिफ फोर्टी के जी ठीक है तो यहां पर आपको पता लग गया कि जो इस बॉडी का मास है वो है आपका फोर्टी के जी और एरिया कितना है टेन सेंटीमीटर स्क्वायर और यहां पर मैं आपको बताया था कि आपको यहां पर फाइंड क्या करना है फाइन प्रेशर ठीक है प्रेशर आपको यहां पर फाइन करना है तो प्रेशर फाइन करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है सिंपल सा फोर्स अपॉन एरिया एंड यहां पर फोर्स की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा फोर्टी इंटू स्मॉल जी क्योंकि यहां पर ग्रेविटी भी एक्ट करी होगी एम जी होता है आपका फॉर्मूला तो मास कितना है फोर्टी और जी की वैल्यू टेन होती है तो यहां पर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ये हो गया आपका फोर इंटू वन जीरो इसका और एक जीरो इसका तो ये हो गया आपका टेन के पावर टू और यहां पर जो इसका एरिया होगा वो आपका क्या होगा एरिया आपको गिवन है टेन सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहां पर से हम क्या करते हैं जो आपका एरिया है उसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो टेन इंटू टेन की पावर माइनस फोर से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्री हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर तो यहाँ पर से ना हम क्या करेंगे यहाँ पर आपको बोला गया कि आपको ईच थाबोन्स का यहाँ पर जो है ना क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है तो यहां पर हमने ना इसको टू से डिवाइड कर दिया क्योंकि यहां पर ना दो थाई बोन्स है ठीक है तो दो थाई बोन्स है इसे हिसाब से हमने यहां पर टू पर मल्टीप्लाई किया क्योंकि आपको एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन था तो दू, दूसरे का भी सेम ही होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया तो इसे हिसाब हमने यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर से इसको कैलकुलेट कर लेंगे ये आ जाएगा आपका टू इंटू टेन की पावर फाइव पास्कल ये इसकी यूनिट होती है प्रेशर की पास्कल ठीक है अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपके पास दो वैक्टर्स हैं ए वैक्टर एंड बी वैक्टर और इसमें जो है लेमडा वाला टर्म है तो यहाँ पर ना आपको लैमडा वाला टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर आपको बोला गया कि ये दोनों जो है ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं ठीक है तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो आपका परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है वेक्टर्स में इसमें जो है आपका डॉट प्रोडक्ट जो है जीरो होता है ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर ये होता है आपका क्या ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस्ट थीटा तो यहाँ पर थीटा आपका कितना है नाइन्टी डिग्री जब थीटा नाइन्टी डिग्री है तो यहाँ पर ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर कितना आ गया कॉस्ट नाइन्टी जीरो होता है तो ये पूरा आ गया आपका जीरो के बराबर तो डॉट प्रोडक्ट आपका कैसे निकालते हैं आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर जो भी आपका आई कैप का कॉफिशेंट है टू यहाँ पर जो भी आपका आई कैप का कॉफिशेंट है फोर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है फोर टू जाट और फिर आपको यहाँ पर आई कैप को नहीं लिखना है ठीक है और माइनस जे कैप का जो भी कॉफिशेंट है जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है इसके वाले और यहां पर जो भी आपका के कैप का कॉम्फिशेंट है उसके के कैप से मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो माइनस का टू लैमडा जो भी आपका साइन है जे कैप के सामने वही आपको यहां पर एज इट इज रख देना है और माइनस का टू इन टू प्लस का वन तो माइनस का टू बराबर जीरो टू लैमडा ये हो गया आपका सिक्स लैमडा की वैल्यू कितनी आ गई थ्री अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपको यहां पर ड्राइव करना है फर्स्ट इक्वेशन एंड ऑफ मोशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर आपका इक्वेशन होगा यहां पर गलती से लॉ लग गया इक्वेशन ड्राइव फर्स्ट ए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो यहां पर सब, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका आपको यहां पर फॉर्मूला पता होना चाहिए ऐसी सेकेंड और ऐसी आपकी थर्ड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बस आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आपने क्लास नाइन में भी पढ़ा होगा वी इजल टू यू प्लस ए टी एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए एस और यह है आपका एस इजिगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो यहाँ पर सबसे पहले हम ड्राइव करते हैं वी इजिकल टू यू प्लस ए टी को बाय कैलकुलस मैथड सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर आपको पता है जो आपका एक्सलेशन होता है वो होता है आपका डी वी बाय डी टी और इसको आप क्या लिख सकते हैं डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर ठीक है square, और यहाँ पर जो आपका विलासिटी होता है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैलकुलस मैथड से ये होता है आपका डी एक्स बाई डी टी ठीक है अब यहाँ पर जो है आपको क्या करना होगा जो आपका यहाँ पर ये यह आपका फर्स्ट है जो यहां पर आपका एक्सप्रेशन होता है वो होता है डी वी बाय डी टी और अगर मैं इसको इधर भेजता हूं ये हो गया आपका ए डी टी बराबर डी वी और अगर मैं आपसे पूछू कि यहां पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया जा सकता है तो फिर आप कहेंगे हाँ तो फिर यहां पर हमने इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ अब यहाँ पर जो आपकी लिमिट है जो भी आपके साथ डी के साथ बैठा है ना उसकी लिमिट आती है पहले टाइम जीरो था अब हो गया आपका टी और यहाँ पर वी की लिमिट आएगी वी की लिमिट होगी आपकी यू और फिर v इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तो ये हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका v u से लेकर v तक बराबर ये हो गया आपका a और इंटीग्रेशन ऑफ dt टी ज़ीरो टू टी अब यहाँ पर a और यहाँ पर ये हो गया आपका dt का इंटीग्रेशन t ज़ीरो टू टी बराबर v एक बार यहाँ पर हम लोअर अपर लिमिट डालेंगे और एक बार लोअर लिमिट v माइनस यू और यहां पर ये हो गया आपका ए टी माइनस जीरो बराबर वी माइनस यू तो वी इजिगल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा ये हो गया हमारा आंसर जो हमें यहां पर ड्राइव करना था वी इजल टू यू प्लस ए टी ये हमने यहां पर ड्राइव कर दिया अगला है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है आपका एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एटी हमने शायद ऊपर थोड़ा सा यहां पर गलत लिख दिया था जो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा ना वो आपका ये वाला होगा ठीक है जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये वाला होगा ठीक है थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है ठीक है तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसको हम देखना कैसे करेंगे यहाँ पर जो आपका विलासिटी होता है वो वही मैंने आपको बताया डी एक्स बाय डी टी होता है ठीक है तो यहाँ पर से हमने क्या किया यहाँ पर डी टी को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं वी डी टी बराबर डी एक्स एंड दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं v की वैल्यू क्या होती है यू प्लस ए टी एंड डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ये हो गया आपका जीरो से लेकर एक्स तक और ये हो गया आपका जीरो से टी की लिमिट आएगी जीरो से लेकर टी तक और यहां पे भी जीरो से लेकर टी तक यू से लेकर वी तक ठीक है तो यहां पर से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ये हो गया आपका कितना यू टी जीरो टू टी और प्लस में ए टी स्क्वायर बट्टे टू और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या जीरो से लेकर टी बराबर ये हो गया आपका एक्स जीरो टू एक्स ठीक है तो यहाँ पर से ये हो गया आपका एक्स माइनस ज़ीरो तो बोले तो एक्स बराबर ये हो गया आपका टी माइनस जीरो तो यू टी प्लस में और ये हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर तो बोले तो वन बाय टू ए टी स्क्वायर ठीक है और ये जो आपका एक्स है इसी को हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन जो हमें यहां पर डिराइव करना था अब यहां से चलते हैं हम थर्ड इक्वेशन की तरफ थर्ड इक्वेशन थी आपकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए एस तो यहां पर आपका जो है ना थोड़ा सा यहीं पर ट्विस्ट होगा बाकी सब तो सिंपल सिंपल है यहां पर जो है एक्सलेशन होता है आपका क्या डीवी बैटी टी अब यहाँ पर हम क्या करेंगे थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा डी एक्स बाय डी एक्स है ना मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ ठीक है इससे हुआ क्या कि इसको मैं इधर ले आता हूँ और डी वी को मैं इधर ला रहा हूँ तो ये हो गया हमारा क्या डी एक्स बाय डी टी इन टू मै डी वी बाय डी एक्स ठीक है तो ये आपका क्या हो गया ये हो गया आपका वेलोसिटी तो वी डी वी बाय डी एक्स और यहाँ पर से ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी है कई बार यहाँ पर जेई में भी इससे न्यूमेरिकल आया जो भी बच्चे जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं एलवेंथ के साथ साथ या ट्वेल्थ के साथ साथ वो वही सारे रिजल्ट को जरूर से ध्यान देना कई बार आपको विलोसिटी दे दिया जाता है एक्स के टर्म्स में और उसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर वैल्यू पुट करके यहाँ पर आपको एक्सलेशन फाइंड करना होता है ठीक है तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है बाकी अब आपको यहाँ पर से क्या करना है अब आप, अब आपको मैं बता देता तो। हूँ यहाँ पर जो है अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है तो ए डी एक्स बराबर वी डी वी अब इंटीग्रेट कर देते हैं ये हो गया आपका क्या ए डी एक्स का इंटीग्रेशन और यहाँ पर लिमिट भी लगा लेना एक्स की जो लिमिट होगी पहले हमने कुछ पहले हमने कुछ भी नहीं चले थे तो जीरो डिस्प्लेसमेंट और उस कुछ देर बाद डिस्प्लेसमेंट होगी आपकी एस और यहाँ पर पहले इनिशियल स्पीड इनिशियल वेलोसिटी यू और फाइनल वेलोसिटी बी बराबर जीरो से लेकर एस यहाँ पर भी लगा लिया हमने लिमिट और यहाँ पर हो गया आपका वी स्क्वायर बट्टे में टू लिमिट होगी आपकी यू से लेकर बी तो ये हो गया आपका क्या ए इसका इंटीग्रेशन एक्स और ये हो गया आपका जीरो से लेकर एस तक और बराबर में एक बट्टा दो यहां पर डाला हमने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो टू की मल्टीप्लाई कर देते हैं टू ए और यहां पर हमने डाला एस माइनस जीरो तो ये आ गया आपका एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो ये हो गया हमारा यहां पर डेरिवेशन अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपके पास दो बॉडीज हैं जिनका मास है एम वन एंड एम टू हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का आपको यहाँ पर रेशियो बताना है तो यहाँ पर सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला होता है क्या हाफ एम वी स्क्वायर और यहाँ पर मोमेंटम का आपका फॉर्मूला होता है एम वी तो यहाँ पर ना हम ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि आपका यहाँ पर एम स्क्वायर वी स्क्वा बन जाए और उसको मैं होल स्क्वायर लिख लूँ तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ ये हो गया आपका एम स्क्वायर वी स्क्वायर बटे में एम तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ एम बी बटे में एम और इस पूरे का होल स्क्वायर और ये हो गया हमारा क्या p तो p स्क्वायर बटे टू एम बराबर काइनेटिक एनर्जी और मैं p स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये आपका क्या हो गया टू एम इंटू कानेटिक एनर्जी तो यहाँ पर से पी की वैल्यू आ गया अंडरवूट टाइम्स ऑफ टू एम के बोले तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर से आपको बोल दिया गया कि आपके पास दो बॉडीज हैं मास मास है उनका एम वन एंड एम टू हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम तो यहाँ पर दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है तो मोमेंटम वन मान लिया हमने अंडर रूट में टू एम वन काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आपकी सेम है तो पी टू बराबर अंडर रूट में टू एम टू इन टू एनर्जी अब यहाँ पर से दोनों का रेशियो चाहिए था पी वन बाय पी टू अंडर रूट टाइम्स ऑफ टू एम वन इन के अंडर रूट में टू एम टू इन के ये सारी सारी क्वांटिटीज कट जाएंगी आपको बचेगा अंडर रूट में एम वन बटे अंडर रूट में एम टू रेशियो क्या आ गया पी वन रेशियो पी टू बराबर अंडर रूट एम वन रेशियो अंडर रूट एम टू अगले क्वेश्चन में बोला गया कि आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ इफ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 1.5 परसेंट मास रिमेनिंग सेम देन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सप्लोरेशन चेंजेस बाय तो आपको बोला गया जो आपका एक अर्थ है अगर वो श्रिंक हो जाता है 1.5 परसेंट यानी कि उसकी जो रेडियस है मान लो इसका ऑरिजिनल रेडियस कैपिटल आ रहा है अगर ये श्रिंक हो जाती है तो फिर इसकी जो रेडियस होगी वो इतने परसेंट जो है ना वो श्रिंक हो जाती है तो इतने परसेंट वो सिकुड़ गई तो यहाँ पर इस प्रकार से आपकी जो है ये अर्थ हो जाएगा पर यहाँ पर आपको लग गया मास जो है मास में कोई चेंज नहीं आया तो आपका मास अगर पहले कैपिटल एम था तो अभी भी इसका कैपिटल एम ही है ठीक है मास में कोई चेंज नहीं आया बस आपकी जो रेडियस है वो थोड़ी सी श्रिंक हो गया है वन पॉइंट फाइव परसेंट देन दैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सपेरेशन चेंजेस बाय तो आपकी ग्रेविटेशनल एक्सपेरेशन में कितना चेंज आएगा कितने परसेंट चेंज आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले जी बराबर जी एम बट्टे आर स्क्वायर होता है सभी को होना चाहिए यहां पर आपको बोला गया कि जो आपके रेडियस है रेडियोस बाय 1.5 परसेंट बहुत सारे बच्चे इसको एरर एनालिसिस से भी कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा सिंपल उससे हो जाता है पर यहां पर जो है आपका एरर जो है आपके सिलेबस में नहीं है इस वजह से हम इसको पूरा प्रॉपर मैथड से करेंगे तो यहां पर से अगर जो आपकी रेडियस है वो इतने परसेंट आपकी रिड्यूस हो जाती है तो फिर जो आपका आर डैस होगा यहाँ पर जो आपका आर है वो यहाँ पर रिड्यूस हो गया तो फिर आर डैस मान लिया उसको ये हो गया आपका आर माइनस आर इंटू वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ आर इंटू वन पॉइंट फाइव अपॉन हंड्रेड हो जाएगा और यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यह आ जाएगा हमारा कितना आर माइनस इसको डिवाइड किया तो हो गया आपका पंद्रह आर बटे वन थाउजेंड ये हो गया आपका वन थाउजेंड वन थाउजेंड में से फिफ्टीन गया तो नाइन एटी फाइव आर बटे वन थाउजेंड ठीक है अब यहां पर से हम क्या करते हैं यहां पर चेंज इन जी तो चेंज इन जी के लिए हम क्या करते हैं जो भी आपका ओरिजिनल है यानी कि जी माइनस जी जो भी आपका फाइनल जी आएगा जब आपका जो आर है जब वो रिड्यूस हो जाएगा तो रिड्यूस होने के बाद उसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जी हम कैसे निकालेंगे जी तो हमें पता है जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहां पर आपका फॉर्मूला होता है जी एम बटे आर स्क्वायर और यहां पर होगा आपका आर का स्क्वायर क्योंकि आपकी रेडियस तो चेंज हो गया रेडियस कितनी होगी रेडियस हो गया आपकी आपकी अब आप ये वाली तो जी एम बटे ये हो गया आपका नाइन फाइव डिवाइड बाय वन थाउजेंड आर इस पूरे का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका टेन की पावर थ्री है स्क्वायर लगा तो टेन के पावर सिक्स ऊपर चला जाएगा ठीक है टेन के पावर सिक्स जी एम बटे ये हो गया आपका आर स्क्वायर और नाइन फाइव इस पूरे का होल स्क्वायर ठीक है तो यहां पर से इसको मैं लिख सकता हूं वन थाउजेंड का होल स्क्वायर और जी एम R आर स्क्वायर और ये हो गया आपका नाइन एट्टी फाइव इस पूरे का होल स्क्वायर अब आपको पता लग रहा है ये जो है आपका ये इससे बड़ी क्वांटिटी है ये फर्स्ट वाले से जी एम R आर स्क्वायर से ये वाली आपकी बड़ी क्वांटिटी है ठीक है तो यहां पर जो है आपका चेंज इन जी ये जो है नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव ना आए इसके लिए हम एक और नेगेटिव निशान लगाएंगे और यहाँ पर ये यह हो जाएगा आपका जी डैस माइनस जी ठीक है चेंज इन जी जो है आपका कभी भी नेगेटिव नहीं ने आना चाहिए बस आपको ये देखना है ये पॉजिटिव कब आ रहा है पॉजिटिव आएगा तभी आपका यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन आगे प्रोसीड करेगा ठीक है तो जब भी आपका नेगेटिव आ रहा हो तो इसके आगे एक और नेगेटिव लगा के इसको जो है हम पॉजिटिव कर देंगे तो फिर हमारा आंसर सही रहेगा इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती आपके आंसर में यहाँ पर जो है हम चेंज इन जी निकाल रहे हैं तो ये हो गया आपका जी डाइस माइनस जी तो जी आपका कितना है यह है आपका वन थाउजेंड इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नाइन एट्टी फाइव इस पूरे का होल स्क्वायर और जी एम बट्टे आर स्क्वायर इसको हम एज इट इज लिख देते हैं और यहां पर है ओरिजिनल जी तो ओरिजिनल जी है आपका जीएम बट्टे आर स्क्वायर अब जी एम बट्टे आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है जी एम बट्टे आर स्क्वायर इसको हमने कॉमन ले लिया वन थाउजेंड का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 985 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस वन बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है अच्छी कैलकुलेशन है इस वजह से मैं ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए जी एम बटे आर स्क्वायर यहाँ पर जो है ये हो गया आपका वन थाउजेंड इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस नाइन एट्टी फाइव इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नाइन फाइव का होल स्क्वायर अब जो है हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन जी ठीक है तो ये हो गया आपका इसका आपका फॉर्मला क्या होता है परसेंटेज चेंज इन जी का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वैल्यू यहां पर जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वैल्यू डिवाइड बाय ऑरिजिनल वैल्यू इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वैल्यू आपकी ये वाली है चेंज इन जी वाली ऑरजिनल वैल्यू है आपकी जी एम बटे आर स्क्वायर ये हो गया आपका टे वन थाउजेंड का होल स्क्वायर माइनस नाइन एटी फाइव का होल स्क्वायर तो ए माइनस बी ए प्लस बी तो वन थाउजेंड माइनस नाइन एट्टी फाइव और एक बार इसको ऐड में लिख देंगे वन थाउजेंड प्लस नाइन एट्टी फाइव डिवाइड बाय नाइन फाइव का होल स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम बट्टे आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में हो गया आपका वन हंड्रेड जिससे कि आपका परसेंटेज आ जाएगा जी एम बट्टे आर स्क्वायर से जी एम बट्टे आर स्क्वायर गया यहाँ पर हो गया आपका कितना पंद्रह और यहाँ पर हो गया आपका वन नाइन एट फाइव डिवाइड बाय 985 का होल स्क्वायर इन टू माइन हंड्रेड तो इसकी जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे ना ऊपर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर आपका ये आ जाएगा और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा थ्री पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट तो पिछले साल की बात करें तो ये आपका एमसीक्यू में पूछा गया था वन मार्क का आपका कौन सा क्वेश्चन था ये पिछले साल के मिड टर्म के पेपर में आ रखा है मिड टर्म के पेपर में वन मार्क्स का ठीक है तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन हो चुका है पर अगर आप एरर हल्का सा भी जानते हैं ना तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो सकता है ठीक है पर अभी मैं एरर से आपको बताऊंगा नहीं जिन बच्चे को पता है वो इस क्वेश्चन को एक बार एरर से जरूर से अटैप्ट करके देखना कितना ज़्यादा सिंपल से हो जाएगा ठीक है और बाकी इस वीडियो में इतना ही उम्मीद है सभी को वीडियो पसंद होगी और बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाया जाओ जो अपनी पी वाई की उस प्रैक्टिस की वीडियो उनको यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं हो रही तो ये सारी सारी वीडियोज़ जो हैं, उन्हीं बच्चों के लिए बनाई जा रही है तो इस वीडियो में इतना ही उम्मीद है सभी को यार वीडियो पसंद आई होगी नेक्स्ट मिलते हैं किसानों के साथ तब तो ले, जय हिंद जय भारत